जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां होंगे मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक और अपडेट का, SSCGD मेडिकल सेंटर अपडेट का। और ये अपडेट जो होने वाला है, ये CRPF कैंप रांची का होने वाला है, जो कि ध्रुव में पड़ता है। तो इसके बारे में आज दूसरा अपडेट है, और दूसरा दिन का रिजल्ट सुनाया गया है, यानी कि 18 जुलाई का रिजल्ट आज सुनाया गया है। जो भी कैंडिडेट DME देने गए थे, 4 दिन के बाद आज उनका फिर से रिजल्ट आया है। तो इसी रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें कितने कैंडिडेट जो है कि पास किए हैं, क्या इसमें आपको हम RME का रिजल्ट भी बताएंगे, जो कि 17 तारीख को जो 17 तारीख वाले कैंडिडेट थे उनको कल रिजल्ट दिया गया था, और नेक्स्ट डे उनको RME के लिए बुलाया गया था। उनका क्या रिजल्ट रहा, क्या प्रोसेस चला है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा बिना स्किप किए देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन। जो भी कैंडिडेट इंडियन रिजर्व बटालियन IRB कांस्टेबल GD की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए मार्केट में एक नई बुक लॉन्च हो चुकी है, जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से है। इस बुक की अगर खासियत की बात करें तो इस बुक में आप लोगों को 2800 से ज़्यादा बहुविकल प्रश्न देखने को मिलेंगे, और पूरा सिलेबस इसमें कवर किया गया है। तो जो भी कैंडिडेट इस बुक को परचेज करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट से इसे परचेज कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, ये जो अपडेट हम दे रहे हैं अभी, वो है आप लोगों का 18 तारीख का, और ये CRPF कैंप का है। जो दोनों अपडेट अभी हम आप लोगों को देंगे वो CRPF कैंप का देंगे। कल मॉर्निंग में आप लोगों को ITBP कैंप का अपडेट मिल जाएगा, और आप लोगों को सेंटर 1 और सेंटर 2 दोनों का अपडेट आप लोगों को मिल जाएगा। तो कल मॉर्निंग का वेट कीजिएगा, मॉर्निंग में भी वो वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। तो अभी हम लोग बात करते हैं CRPF कैंप का। तो देखिए, CRPF कैंप में जो है कैंडिडेट अभी मेडिकल लेके बाहर निकल चुके हैं। आज जो है कि मेडिकल लेके वो 6 बजे बाहर निकले थे। 6 बजे के बाद मेरे पास फ़ोन आया था, करीब 7 बजे के आसपास फ़ोन आया है, तो उसके बाद हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो पूरा अपडेट है अब CRPF कैंप रांची का। तो अपडेट क्या है कि 87 कैंडिडेट जो है कि वो मेडिकल देने के लिए आज पहुँचे थे 18 तारीख को, जो कि कैंडिडेट ने 87 कैंडिडेट ने जो है कि मेडिकल दिया था, जिसमें से 45 कैंडिडेट जो है कि वो पास हुए हैं। ये देखिए, ये जो डाटा हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, ये जो डाटा है ये कैंडिडेट्स के द्वारा ही दिया गया है। यदि उधर से कोई छोटा ऊंच नीच होता है, गिनने में गलती हो जाता है, या फिर सुनने में गलती हो जाता है, तो उसमें मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो भी कैंडिडेट है, जो ग्राउंड पे है, जो मेडिकल दे के आ रहे हैं, वो वहाँ से वो कैंडिडेट्स ने हमें जो बताया है वो हम आप लोग को बता रहे हैं। हो सकता है इसमें 2-4 ऊपर नीचे नंबर हो सकता है, ठीक है, काउंट्स करने में हो सकता है ऊंचा नीचा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी किसी भी सेंटर पे ये नहीं बताया जाता कि आज कितने फिट हुए हैं, ये नहीं बताया जाता। ये कैंडिडेट्स के द्वारा ही काउंट करके, जो भी टेबल है उसको जोड़ करके ये खुद में कैलकुलेट किया जाता है। तो 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसी के आसपास रहा है, ये हम आपको बता देंगे। 87 कैंडिडेट जो है कि आप उपस्थित हैं, और 45 कैंडिडेट जो है कि पास हुए हैं, और बाकी जो कैंडिडेट है वो फिट हुए हैं। अगर ये सेम ये रेशियो है, तो ये रेशियो बहुत ही अच्छा है CRPF कैंप का। अब हम लोग आज बात कर लेते हैं जो 17 तारीख का जो मेडिकल दिए थे, जिनको पॉइंट्स मिला था रीमेडिकल के गए थे, उनका आज क्या क्या प्रोसेस हुआ है। देखिए, उनका प्रोसेस आज कुछ भी नहीं हुआ है। जिनका भी BP और हार्ट रेट में दिक्कत था, उनका आज चेक किया गया है। जिनको भी नोकनी, एल्बो या फिर आइज़ में, या फिर हार्ट रेट और BP इसको छोड़ करके, इसके अलावा जिसको पॉइंट मिला था, उन सभी में किसी का भी कुछ भी आज नहीं हुआ है। सिर्फ ब्लड प्रेशर वाले और हार्ट रेट वालों को जो है कि आज फिर से चेकअप हुआ था। बाकी पूरे दिन रीमेडिकल कैंडिडेट को बैठा के रखा गया था सेंटर पे, कुछ भी नहीं हुआ है, और ना ही आज उनका रिजल्ट आया है। तो जो भी लोग ये सोच के बैठे थे कि आज RME का रिजल्ट आ जाएगा, और तो ये बिल्कुल भी नहीं आया है। और हाँ, एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन आया है कि कल इन लोगों का जो नोकनी और एल्बो वाला था, कल उन लोगों को एक्सरे के लिए लेके जाया जाएगा पारस हॉस्पिटल, जो कि रांची में है। और इनको बता दिया गया है कि आपका 3 दिन जो है कि और भी लगने वाला है। तो आप सोच सकते हैं कि जो कैंडिडेट 17 तारीख को गया था, 17, 18, 19, 20 और 21 हो गया है, और 2 दिन और लगने वाला है, 22, 23, लगभग 6 से 7 दिन का समय, 7 से 8 दिन का समय लग जाएगा। कल अगर इन लोगों का रिजल्ट नहीं सुनाया जाता है, तो कल उसके बाद फिर संडे हो जाएगा, संडे के बाद फिर मंडे होगा। संडे को काम नहीं होता है, संडे को छुट्टी रहता है, तो मंडे को, यानी कि पूरा 8 दिन उन लोगों का समय लग जाएगा क्लियर करने में मेडिकलों को, री मेडिकल जिनका भी लगा हुआ है। तो इसलिए जो भी कैंडिडेट हैं अपना CRPF कैंप जा रहे हैं, थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है। कल से प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हुआ है, और आज भी थोड़ा सा फास्ट हुआ है, क्योंकि आज जो भी कैंडिडेट गए हैं उनका सारा कुछ हो गया है, डॉक्यूमेंटेशन हो गया है, और ब्लड यूरिन भी कुछ लोगों का हो गया है। तो ये सारा कुछ अपडेट था आज CRPF कैंप रांची ध्रुवा का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अपडेट अच्छा लगा होगा, और
अच्छा क्या लगा होगा, थोड़ा सा डिसअपॉइंट इससे होंगे आप क्योंकि ज़्यादा दिन लग रहा है मेडिकल में, तो फिर भी जो भी अपडेट था वो हम आप लोगों को देने का कोशिश किए। नीचे जरूर लिखिएगा आप सभी को अपडेट कैसा लगा है, और कुछ पूछना चाहते हैं, सवाल है आपके मन में, तो आप मेरा इंस्टाग्राम का आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।